So कैसे हैं आप लोग? Welcome back in the Wind Zone. This is Manu. Today we are going to react on the Perfect Bride by Carrie Minati. So आपके बहुत सारे suggestion आए. Now complaints आई हैं कि इतना delay हो चुका है. अभी तक आपने react नहीं किया. Manu, come on, react करो यार. करो. ये और video आ रही, वो video आ रही. हम सब आपको देखना चाहते थे. हम आप कितना आप हमें comment करेंगे यार. We really want to know. आप सबने बहुत सारा प्यार दिया. बहुत सारे suggestion दिया और ये हमारे लिए प्यार था यार. बहुत अच्छा लगा. Thanks. हम आगे भी करते रहेंगे. तो देखिए चलते हैं. वीडियो बहुत ज्यादा बेताब है, बेचैन है देखने के लिए. चलो फिर चले. हैवी गाओ. तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अखंड भारत की जरूरत है. मुझे अब अखंड भारत की जरूरत है. जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम लोग. ये वकांडा का राष्ट्र पंछी है जो एक रात सबके पेट में बदहजमी मचा के वहां से भाग आया था. अब ये प्राणी कश्मीर और गोवा में पाया जाता है. तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. बकचोदी तो होगी. कश्मीर की मैं कली हूँ. एक सुअर को कितना ही सजा लो वो मोर नहीं बन जाएगा. छेनी जैसी शक्ल है. साला अजय देवगन भी पान मसाला ना थूके इसके मुंह पे. कश्मीर की कली. बज्जे रिश्ते मुझे आए. बहुत बज्जे आए मुझे. बहुत बड्डे रिश्ते आए. से एक रिश्ता आया अफ्रीकन गैंडे की तरफ से. उसे दहेज नहीं चाहिए, बस दुल्हन को नीम के पत्ते के साथ नंगा भेज दो. बच्चों को माँ का प्यार और दूध मिल जाएगा. बाकी जिंदगी तो मौज है यार. यही वो मेरा दूल्हा है जो मुझे सबसे ज्यादा भाया है. वो क्या दूल्हा? मेरी पप्पी करो. दूल्हे की फटी पड़ी है. उसे पता है हर रात इस डायन को कुत्ता खुजली होती है. अब कौन शांत करेगा उसे? कुत्ता खुजली. थक गया हूँ मैं ये प्यार से. चाहता हूँ कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे. सबसे पहले इस देश में यही काम होना चाहिए. कोई इसे तहस नहस करो. अरे ऐसे कौन बोलता है यार? यार भाई बुसड़ी के सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तहस नहस कर दे. कश्मीर रुक जा यार, कर जा तहस नहस. कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? प्यार चाहिए या फिर मार? पहले ही फैसला कर ले. ये 50 Shades of Bakchodi मुझे समझ में नहीं आ रही है. क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मुझे किसी जाट की जरूरत है. वो रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए. जाट की नहीं मिलेगी तुझे. इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए. ऐसे खुले में ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा. मैं बहुत भूखा हूँ फैंस. कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को दूसरा बना देगा? बस यही तो सुनना रह गया था. ऐसा ही है, जब ये उदास होता है तो मोटर पे बैठ के वाइब्रेट होता है, और जब ये खुश होता है तो वादियों की तरफ देख के चिल्लाता है, मैं हूँ घटोत्कच, मेरी मैया ने मुझे पाला. जो मुझे दो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा. इससे घंट इंसान नहीं देखा मैंने आज तक. वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा. मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आसमानी को खट्टी लस्सी की पिचकारी दी जाए, और याद रहे वो एक पंजाबी की होनी चाहिए. इसको वायरल मत करो. अबे तेरी MMS थोड़ी ना लीक हुई है जिसको देख के कह रहा है. इसको वायरल मत करो. कोई नहीं करेगा, किसी को शौक नहीं है तेरे पिलपिला सुअर जैसा शरीर देखने का. मीठा हो रखा है. एक मर्द हूं, सच्चा मर्द. अजी लौड़ा. लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है. तो नौकरी ले ले उसमें जाके. बताओ बे, चुप कंपनी बना दी. बहुत पंजाबी लड़के आए मेरी जिंदगी में,
पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। क्या करके चले गए? बल्ले बल्ले करके चले गए। ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। अगर ऐसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं तो भंगड़ा कैसे पाएंगे? भंगड़ा पाके चले गए। पहल के अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गहरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। बहुत से लोग आए और मेरे पीछे भंगड़ा पाके चले गए, लेकिन दीपक को दर्द नहीं हुआ। मेरी जान, दीपक ऐसा मर्द है। मैं दिखाता हूँ कैसा मर्द है। भगवान से डर। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आज से 9 महीने पहले विराट कोहली ने 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक छक्का मारा था और वो बॉल सीधे स्पिन होके गई इसकी भुंड में। अब आगे। विराट कोहली, तुम तो रातें रंगीन करके चले गए, लेकिन दीपक कलाम प्रेग्नेंट हो गया है और अब ये 9वां महीना मुझे चल रहा है। बहुत लाते मार रहा है ये बच्चा। बच्चा लाते इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना है। उसकी हालत एक तिहाड़ जेल के कैदी जैसी हो गई है। ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, मिलता है तो बस खट्टी लस्सी की पिचकारी। विराट कोहली, तुम दीपक कलाम को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा ये जो बच्चा है, ये पैदा किया इसने इंसान के रूप में, शैतान है ये। बकरियों को जाके कहता है, बकरी मुझे अंजा दो। कश्मीर की नदियों को देख के कहता है, लव यू लवड़ा। अगर आप वर्जिन हैं, तो दीपक कलाल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट, कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट। बस हो गया आज का। अगर मैंने इसकी शक्ल एक और बार देख ली तो मैं बौखला जाऊंगा। तो इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं तो लाइक मारो, और अगर नहीं चाहते हो तो और जोर से लाइक मारो। एम तो इस बार मैं रख ही नहीं रहा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, वो जो लाल है ना, रेड कलर का बटन, उस पे खट्टी लस्सी की पिचकारी मारो या फिर उसे तहस नहस कर दो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, मेरी अर्जुन दीप साइकेट्रिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट है। बाय। मोहन, खिड़कियां बंद कर दे, हो सकता है मैं कूदने की कोशिश करूं। ओके दोस्तों, ये वीडियो थी, क्या थी, दीपक कलाम। मैं तो कहता हूँ कह रही कभी और प्लीज, ये फर्स्ट एक और पहले कर चुके हैं पर दोबारा करने की जरूरत नहीं इसके अलावा। या एग्जैक्टली, और जिस तरह से मतलब उन लोगों ने, मुझे लगा कि वीडियोस में थोड़ा सा मैं उतना एंजॉय नहीं किया। आसू मैंने भी नहीं किया, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में ठीक लगा कि हाँ चलो, स्टार्टिंग का जो फ्लो था वो अच्छा जा रहा था। फिर उसके बाद तो बस यही था कि वीडियो चल रही है और कैरी को तुम पसंद कर देना तो कैरी को तो देख सकते हैं बैठे बैठे कितनी देर में कुछ भी बोले यार। उसकी लाइव स्ट्रीम भी ऐसी देखता रहता हूं मैं, कुछ भी करता है, उसको गेम खेलता है, उसे देखते हैं। या वी लव दिस वीडियो बिकॉज़ ऑफ कैरी, नॉट बिकॉज़ ऑफ दीपक। सो नहीं, इसके ऊपर मेरा सजेशन है बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी और कोई वीडियो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और दुनिया में बहुत सारे यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे आपको नमूने मिल जाएंगे यार। या और कैरी ऐसा काम हमेशा करता है, वो हमेशा चुन के नमूने लाता है, तो मुझे पता है कि कैरी ये काम जरूर कर लेगा। और इससे बेस्ट जो करेक्टर है हमारे सामने, एंटरटेनिंग भी में पे करेगा। राइट, सो क्या करें यार इस वीडियो में। कोई बात नहीं दोस्तों यार, इट्स अ बट ओके काइंड ऑफ वीडियो। हाँ ओके ओके, तो यार फिर इतने क्यों सजेशन दे रहे थे तुम? मुझे ना पता नहीं क्या है यार, बिकॉज़ दे वांट कि कैरी की वीडियो हम लोग देखें। ओके गाइस, ओके आप ही चाहते थे हम वीडियो देखें। ओह माय गॉड, आप इतना प्यार करते हैं। सो आप जैसे बट जैसे कमेंट में बताइएगा। हां, और जैसे वो आपने जो लड़कों के नाम लिए ना, हरियाणा के या पंजाब के, वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग नहीं था वो, क्योंकि हम उसको अपने आप को रिलेट कर रहे थे इसलिए थोड़ा एंटी नहीं होगा। अदरवाइज जो है ही नहीं मांगा तो क्या करे। और रोहतक का है, रोहतक के कुछ ना आवा भाई, इसे बोला कोई सा भी रोहतक काड़ा मन दिखता नहीं भाई। कोई क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कभी कुछ भी बोल देता हूँ। सो दोस्तों यार, आपको कैसा लगा बताइएगा। और ये इसका नाक अगर ऐसे बाहर आ गया तो मुझे ग्रेट होते हैं और बट
जो करेक्टर था वो अच्छा नहीं था. राइट. सो दोस्तों हम कहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जो मुझे नहीं आई है तो लाइक कर देना यार. अगर नहीं आई तो लाइक करो. हाँ नहीं आई तो डबल लाइक हो कैरी के वर्ड्स में और हम चलते रहेंगे.